नमस्कार दोस्तों, मैं गुरजीत सिंह आपके अपने चैनल जी असर ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लीजिए। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि ICA का अप्रूवल जो है वो हम लोग ऑनलाइन कैसे लेंगे। तो ICA का अप्रूवल लेने के लिए आपको गूगल क्रोम में आना है और उसके बाद वहाँ पर आ कर के आपको सर्च करना है ICA.gov.ae। तो यहाँ पर जब आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर ICA स्मार्ट सर्विस का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ समय के बाद एक नया पेज खुलेगा। तो हमारा नेट थोड़ा स्लो होने के कारण थोड़ी सी लेट हो रही है। तो ये अप्रूवल लेना भाई दोस्तों, अभी UAE में अगर आपने ट्रेवल करना तो ज़रूरी हो गया, तो ये आपको लेना ही होगा। और दोनों डोज भी आपके कंप्लीट होने चाहिए और डोज लगने के 14 दिन कंप्लीट हो जाए। देखिए यहाँ पर नया पेज खुला, वहाँ पर 4.9 पर आपको क्लिक करना है, पब्लिक सर्विस पर क्लिक करना है। उसके बाद एक नया पेज खुला, नया पेज खुलने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन नीचे की तरफ जाना है और वहाँ पर आपको मिलेगा रजिस्टर अराइवल। तो नीचे जाएं, ये देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है रजिस्टर अराइवल, यहाँ पर आपको स्टार्ट सर्विस पर क्लिक करना है। जैसे वहाँ पर क्लिक किया तो रजिस्टर अराइवल में एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन पर आ गए। यहाँ पर आपका नाम इंग्लिश में वहाँ पर आपको लिखना है, उसके बाद नेम अरेबिक, वहाँ पर आपको इंग्लिश में लिखना, ऑटोमेटिकली अरेबिक हो जाएगा। उसके बाद आपको जेंडर मेल फीमेल आप डाल दें, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालने हैं आपको, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, पासपोर्ट पे आपकी डेट ऑफ बर्थ है वहीं पर आप सेम वही डेट डालेंगे। वो डालने के बाद प्लेस ऑफ बर्थ, उस प्लेस ऑफ बर्थ के बाद एक्सपेक्टेड अराइवल डेट वो डालना है। उसके बाद अराइवल पोर्ट है वो आपको डालना है। अराइवल पोर्ट डालने के बाद डिपार्चर कंट्री वो डालना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है अभी तक को ये, सॉरी हाँ, ये सब डालने के बाद अब आपको नीचे मिलेगा ईमेल एड्रेस। डिपार्चर कंट्री आपने डाल दिया, ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपको वो ईमेल एड्रेस डालना है जो आपका ईमेल एड्रेस चालू हो, क्योंकि उस पर QR कोड आपको वहाँ पर आएगा। उसके बाद पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, पासपोर्ट टाइप आपने डालना है ऑर्डिनरी, पासपोर्ट नंबर डालना है। पासपोर्ट नंबर डालने के बाद नेशनैलिटी आपकी, इंडिया से हैं, पाकिस्तान से, नेपाल से हैं, वो डालना है। पासपोर्ट इशू डेट वो डालना है, पासपोर्ट पर सब लिखा हुआ है वहीं से आपको ये सब लेना है। बेटा पासपोर्ट एक्सपायरी डेट डालना है। एड्रेस इनसाइड UAE, आप कहाँ, आपका एड्रेस UAE में दुबई है, शारजा है, क्या है, वो डालना है। डिटेल एड्रेस डालना है, बिल्कुल जहाँ पर आप रहते हैं, बिल्डिंग नंबर, प्लॉट नंबर, जो भी है। उसके बाद मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर डालने के बाद वैक्सीनेशन इन्फॉर्मेशन, आपको कौन सी वैक्सीन, आप इंडिया से जो आ रहे हैं तो वो वहाँ पर कोविशील्ड है, वहाँ पर दुबई में उसको और नाम से जाना है, तब वो आपको पता करके वो डालना है। पाकिस्तान से तो आप पता करें कौन सी है, वो वहाँ पर से डालना है। उसके बाद फर्स्ट वैक्सीनेशन डेट, जिस दिन आपने पहला डोज लिया है वो डेट डालनी है, एक्सपेक्टेड डेट जो आपको आपके सर्टिफिकेट में लिखी हुई है। सेकंड वैक्सीनेशन डेट डालनी है। थर्ड वैक्सीनेशन डेट आपके पास, अगर आपने थर्ड वैक्सीनेशन ली है तो ठीक है, अदरवाइज आप उसको छोड़ सकते हैं। PCR टेस्ट डेट, PCR टेस्ट डेट आपने जिस दिन PCR का टेस्ट करवाया है वो डेट डालनी है। PCR एक दूसरी डेट है PCR की, वो एक डालनी है जिस दिन आपको रिपोर्ट मिलती है उसकी। उसके बाद आपको अटैचमेंट फाइल्स, अब क्या क्या यहाँ पर मांगा जा रहा है, पासपोर्ट की फोटोकॉपी जो कि देखिए 2 MB की, JPG हो फॉर्मेट हो या PDF फॉर्मेट हो, तो वो आपको डालनी है। उसके बाद सेंड कर देना है, ये आपको बहुत ही आसानी से, पासपोर्ट की इमेज है और सेकेंड आपको एक आपकी इमेज वो डालनी है।
तो दोस्तों बहुत ही आसान था, आपने देखा कि 2-4 मिनटों में ही हमने ये ICA का अप्रूवल कितनी आसानी से हासिल कर लिया। सेंड करने के बाद आपको ईमेल एड्रेस में ही सब कुछ आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि औरों के पास भी हमारी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद।